अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। ये एसर लैपटॉप है, एस्पायर में 5220, ठीक है, 5220 नंबर। तो ये आन नहीं हो रहा, अभी इसको मैं ओपन करूँगा और इसका जो है ना वो फॉल्ट चेक करेंगे, प्रॉब्लम क्या है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये सारे स्क्रू उसके ओपन कर लेंगे। स्क्रू ध्यान से आपने खोलने हैं, क्योंकि बंद करने के टाइम छोटी जगह पर बड़ा स्क्रू चला जाता है, वो दूसरी साइड से बाहर आ जाता है। अक्सर कस्टमर जो है ना वैसे ही करते हैं, ऊपर से बॉडी ख़राब हो जाती है उनकी। चलिए सबसे पहले डीवीडी निकालते हैं, उसके बाद ये हार्ड निकालते हैं। सारे स्क्रू खोल चुके हैं, ठीक है, ये रह गए हैं। जी दोस्तों, ये सबसे पहले ओपन करेंगे, इसके हिंजेस भी जो है ना थोड़े से फारिग हुए हैं। ओपनर 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 पकड़ना यार, नीचे वाले दराज में। ये कीबोर्ड ओपन हो गया इसका, ये कीबोर्ड के नीचे कुछ स्क्रूज होते हैं इसके, वो ओपन करेंगे। जी दोस्तों, ये सी पैनल इसका ओपन हो गया है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। ये इसका मदरबोर्ड है, ठीक है, ये इसका मॉडल नंबर है मदरबोर्ड का, LA7092P, ठीक है। अभी ये ऑन नहीं हो रहा, ये देखते हैं अभी इसकी पिन का प्रॉब्लम है या किस चीज़ का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसकी पिन बाहर निकालनी पड़ेगी।
जी दोस्तों, ये निकल आया हमारा मदरबोर्ड बाहर। अल्लाह अकबर। और ये रही इसकी डीसी पिन। ये फैन का जैक उतार लेते हैं इसका। ले जी, इसको ज़रा साइड पे करते हैं ताकि मदरबोर्ड को चेक कर सकें प्रॉब्लम क्या है। तो ये अडैप्टर देना मुझे चार्जर। जी दोस्तों, बाकी इसका फॉल्ट ट्रेस करके तो इंशाल्लाह मैं आपको दूसरी वीडियोस में बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और वैसे भी जो है ना लाइट्स चली गई है तो अब वीडियोस बनेगी नहीं, क्योंकि पावर के बगैर अडैप्टर ऑन नहीं होगा। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।